आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। विकल्प आपको ये दिए गए हैं, अ, ब, स और ये द। देखिए बच्चों, ए और बी, ये है मेरे पास में ए और ये है मेरे पास में बच्चों बी, है ना। सबसे पहले तो ध्यान से इस परिपथ को देखें, और ध्यान से परिपथ को देखने पर हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो आर है ये हमारा किसी काम का नहीं है, इधर किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, और ये वाला जो आर है ये वाला भी हमारा किसी काम का नहीं है, किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इस ये वाले जो तीनों के तीनों प्रतिरोध हैं यहाँ पर, है ना, ये तीनों के तीनों जो हैं इनके एक सिरे एक से जुड़े हुए हैं, और ये तीनों के तीनों सिरे ये तीनों एक से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों किस में होंगे बच्चों, समांतर क्रम में होंगे, ध्यान से देखा जाए तो, है ना। तो ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में हो गए, तो चलिए इनको एक एक बार हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनको देखिए ऊपर से, है ना, ये वाले जो दोनों हैं ये दोनों हमारे किसमें है बच्चों, श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये ऊपर का तो किसी काम का नहीं है, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, और इधर से ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इनका इनका कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा r प्लस r, यानी कि ये 2r हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास में, 2r हो जाएगा। अब ये जो 2r है और ये जो r है ये समांतर क्रम में है, और ये वाले भी किसमें है बच्चों, समांतर क्रम में है, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये r और 2r, है ना। तो इसके लिए एक के लिए कर लेते हैं, वो मेरे पास में निकल जाएगा। तो r डैश बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/r बराबर एक है मेरे पास में 2r का, है ना, और प्लस एक है मेरे पास में r का। तो ये मेरे पास में 1/r बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 2r लघुत्तम ले लिया, यानी कि 1+2, यानी कि कितना हो गया मेरे पास में 3/2r, यानी कि r डैश का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में, वो आ जाएगा 2r/3 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 2r/3 आ जाएगा। तो इसको डब्बे में डाल देते हैं, है ना, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर के हम लोग कितना लगा देंगे, 2r/3 लगा देंगे, और यहाँ पर भी ये वाला भी ध्यान से देखिए बच्चों, 2r के साथ ये वाला जो r है ये दोनों के दोनों, तो यहाँ पर भी कितना लगा देंगे बच्चों, 2r/3 लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो तीनों के तीनों प्रतिरोध हैं बच्चों, ये तीनों, है ना, ये तीनों किसमें है, समांतर क्रम में, और ये तीनों भी किसमें है बच्चों, समांतर क्रम में है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर इन तीनों का समांतर क्रम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैं r" बोल देता हूँ, तो 1/r" जो आ जाएगा वो बराबर कितना आ जाएगा, 1/r + 1/r + 1/r। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास में, 1/r" बराबर r लघुत्तम लूंगा तो 1+1+1 यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि जो मेरे पास में r" आ गया वो बराबर कितना आ जाएगा, r/3 आ जाएगा। तो ये वाला भी r/3 और ये वाला भी मेरे पास में r/3। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य परिपथ किस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा, है ना। ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये तीनों को यहाँ से ये वाला और ये वाला, ये मैं ऐसे करके इसको a मान सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से जो है ये वाला a हो गया, तो ये मेरे पास में ये हो गया मेरे पास में a, है ना। यहाँ से जो है ये पूरा का पूरा कितने का है, r/3 का, ये r/3 का जो है ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है r/3, है ना। ये सीधा लिख देता हूं मैं इसको, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास में r/3 का, है ना। फिर उसके बाद में ये वाले इधर की तरफ में चल रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने अभी अभी निकाला था कितने का, 2r/3 का, है ना। फिर यहाँ से ये है मेरे पास में b, है ना, और फिर यहाँ पर जो है ये वाला जो जोड़ा था मैंने, ये कितने का था, r/3 का था, है ना। और यहाँ से जो ये वाला जोड़ा हुआ है, ये वाला कितने का है बच्चों हमारा, ये वाला कितने का है, कितने का है, कितने का है, ये वाला भी तो 2r/3 का, तो ये भी 2r/3 का है। अब ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो ये वाले जो दोनों के दोनों हैं, है ना, ये वाले दोनों किसमें है, श्रेणी में, और ये वाले दोनों किसमें है बच्चों, श्रेणी में, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका कितना हो जाएगा, मैं इसका r1 बोल देता हूं, तो r1 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, और इसका जो है ये r2 हो जाएगा। तो कहते हैं पहले तुल्य परिपथ जो हो जाएगा मेरे पास में, ये हो गया मेरे पास में a, है ना, और मान लेते हैं इसका जो ये जो है, ये वाला हमने r1 माना था ना, तो ये मेरे पास में जो है ये r1 इधर आ जाएगा और r2 इधर आ जाएगा, ये मेरे पास में हो जाएगा b। तो ये मेरे पास में है r1 और ये है मेरे पास में r2। चलिए r1 और r2 के मान निकाल लेते हैं। तो r1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास में, r1 बराबर जो हो जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, ये r/3 + 2r/3, है ना, ये ऐसे करके आ जाएगा, ये दोनों के दोनों है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, लघुत्तम में ले लेता हूँ कितना, 3। तो यहाँ पर जो मेरे पास में r1 का मान आ जाएगा, ये r + 2r, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में 3r/3। तो 3 ने 3 को मार दिया, यानी कि r1 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, r आ जाएगा,
है ना। और इसी प्रकार R2 के अंदर भी 2R/3 और R/3 है, तो R2 भी कितना आ जाएगा मेरे पास में, वो भी R आ जाएगा। यानी कि ये दोनों के दोनों ही जो आ जाएंगे मेरे पास में, ये भी मेरे पास में R और ये भी मेरे पास में R, तो कुल मिलाकर के RAB कितना आ जाएगा मेरे पास में, RAB जो आ जाएगा वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो 1/R+1/R ऐसे ही तो निकालते हैं। तो 1/RAB जो आ जाएगा वो बराबर, ये मैंने R लघुत्तम ले लिया यहाँ पर, 1+1 यानी कि 2/R। तो मेरे पास में जो RAB आ गया वो कितना आ गया बच्चों, RAB बराबर ये मेरे पास में आ जाएगा R/2। तो यही बच्चों हमारा इसका उत्तर है। चलिए विकल्पों में देख लेते हैं, R/2 जो स है हमारा एकदम सही जवाब है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।